Hello friends, welcome back to my channel. My name is Madhuri and today I will be sharing an amazing and an easy recipe of vegetable upma, which is a very healthy breakfast which you can enjoy with coconut chutney. So guys, if you like this recipe, give this video a thumbs up and do subscribe to my channel for future videos. So without any further ado, let's quickly start with the recipe. So vegetable upma banane ke liye maine sabse pehle pan mein liya hai 3 se 4 bade chamach refined oil. फिर इसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच राई, आधा चम्मच उड़द धुली दाल, आधा चम्मच चना दाल, आठ से दस पत्ते कड़ी पत्ता, पाँच से छः काजू, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 बारीक कटा प्याज, 1 हरी मिर्च, थोड़े से सुनहरे होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चॉप की हुई गाजर, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उपमा एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, साउथ इंडियन डिश है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है एंड बहुत ही आसानी से कम समय में ये बन जाती है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब फ्रोजन मटर, एंड लास्ट में ऐड करूंगी मैं 1 बारीक कटी हुई कैप्सिकम। इसी में मैं डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, अभी मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, और 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, इसमें मैंने एक छोटी हरी मिर्च कटी हुई डाली है, आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, अब इसमें मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 कप दूध, तो मैं 3/4 कप सूजी ले रही हूं, तो उस हिसाब से मुझे 3 गुना पानी डालना है। इसमें एक बॉयल आएगा एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे अपनी रोस्टेड सूजी। मैं यहाँ पे पहले से ही रोस्ट की हुई सूजी ले रही हूँ, अब इसमें भी बॉयल आ गया है तो मैं अपनी धीरे धीरे करके सूजी ऐड करूँगी एंड साथ ही मैं इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। सो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए, अगेन ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए, आंच को हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। फटाफट से इसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी फ्राई की हुई मूंगफली, देखिए कितने कम समय में हमारा ये उपमा बनके रेडी है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद एंड इसे 5 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके रखूंगी। कवर करने के लिए आप कोई भी बर्तन का जो है लिड लीजिए, मैं यहाँ पे प्लेट से इसे कवर करके रखूंगी फॉर 5 मिनट्स। सो 5 मिनट्स के बाद गाइस देखिए हमारा उपमा परफेक्टली रेडी है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। सो गर्मा गर्म हमारा साउथ इंडियन वेजिटेबल उपमा रेडी है, इसे मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से हरे धनिए के साथ। तो लीजिए गाइस, हमारा वेजिटेबल उपमा बिल्कुल तैयार है, आप चाहें तो इसे कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही एंजॉय कीजिए। सो गाइस, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर योर लव एंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई एंड अमेजिंग रेसिपी के साथ। बाय बाय।